आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पहली खबर विकास नगर से है, जहां पर विकास नगर में सालों से वो चक्राता विधानसभा में अपने पैर जमाए चक्राता विधायक प्रीतम सिंह को मात देने के लिए गजेंद्र जोशी ने विकास नगर के निजी होटल में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें वो चक्राता विधानसभा से प्रत्याशी भी होंगे। प्रेस वार्ता करते हुए गजेंद्र जोशी ने कहा कि पिछले कई सालों से चक्राता में दो ही परिवार राजनीति कर रहे हैं, जो केवल मौका परस्त और परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। जो रणनीति हमारी इस चुनाव को लेके जिस तरीके से जौनसार बावर को जनता को पिछले दशकों से ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, उसको निराश होकर जनता भी चाह रही है कि नया विकल्प आए जौनसार बावर के अंदर। मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्लान, ये तमाम मुद्दे हैं। मुद्दे हमारा मैनिफेस्टो अभी तैयार हो रहा है, मैनिफेस्टो भी आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। एक टीम है जो मैनिफेस्टो बना रही है, और मैनिफेस्टो बनाने के बाद फिर से हम एक बार आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों के साथ एक बार फिर से हम साझा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम चुनाव में निर्दलीय जा रहे हैं, हमें जनता का सहयोग मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है, जनता के सहयोग से हम चुनाव में जा रहे हैं। जो अगली खबर चमोली से है, जहां पर थराली तहसील के सोलपट्टी में पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से भालुओं ने घरों के पास ही करीबन 7-8 महिला पुरुषों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। जबकि बीते दिन भी सोलपट्टी में भालू ने घर के पास खड़े युवक पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद लोगों ने चीख पुकार सुनकर युवक को बचाया। इस दौरान लोगों का कहना है कि वन विभाग के रेंजर और अन्य वन कर्मियों की उनके क्षेत्र में लगातार गश्त लगाकर पटाखे और हवाई फायर करके भालुओं की आबादी को दूर भगाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है वो सब बेनतीजा साबित हो रहे हैं और भालू का आतंक अभी भी जारी है। ग्राम ऋषिकेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान पाने वाली नगर पालिका मुनिकेरती के पर्यावरण मित्रों को कैबिनेट मंत्री सुनोद उनियाल ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि पर्यावरण मित्रों की हौसला अफजाई के लिए अनेक उपहार भी वितरित किए गए। देखिए, जब घर में कुछ अच्छे काम होते हैं और उस काम का सम्मान होता है तो अनुभूति तो चार गुना ज़्यादा अच्छी हो ही जाती है। और क्योंकि ये सारी मेहनत हमारी एक टीम वर्क काम करती है, ऐसे नहीं कि एक नगर पालिका चेयरमैन ही उसको सब कुछ करता हो, ये टीम वर्क है। और ये टीम वर्क में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, एक परिवार होता है, और परिवार की भावना से अगर काम करें तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और वही रिजल्ट जो है पिछले 3 सालों से लगातार नगर पालिका मुनिकृति अगर प्रथम स्थान पर रही तो टीम भावना के रीजन से अच्छी रही है, ना कि व्यक्ति की किसी एक व्यक्ति को हम श्रेय दे सकते हैं, चाहे वो नगर पालिका चेयरमैन हो चाहे ईओ हो, उसमें सभी लोगों की भावनाएं हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा परिवार जो नगर पालिका परिवार है मुनिकृति ढालवाला, जिसको लोग पहचान में बड़ी कमी थी, आज उसको न केवल प्रदेश इवन कि पूरा देश के अंदर अगर कहीं स्वच्छता की बात आती है तो नगर पालिका मुनिकृति के अंदर दिल्ली में निहारते हैं लोग कि नगर पालिका का नंबर इस बार कौन सा होगा। मुनिकृति को लगातार दूसरे वर्ष ही प्रथम स्थान पर आने का अवसर मिला है, और इसमें सबसे बड़ा जो हमारा जो साथ होता है हमारे सफाई कर्मचारियों का होता है, जो इनको पर्यावरण मित्र के रूप में ये बहुत अच्छा प्रयास ही रहा जो इन लोगों ने जिनके प्रयासों से जिनके कर्मों से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ उनको पुरस्कृत करने का निर्णय अपने आप में बहुत अच्छा निर्णय है। और जिस तरह से उनको जो पुरस्कार की राशि नगर पालिका को प्राप्त हुई उस पुरस्कार की राशि को पूरी तरह से अपने कर्मचारियों को बांटना, मैं समझता हूँ ये उनको और प्रेरणा देने का काम करेगा और निकट भविष्य में और ज़्यादा मेहनत करके लगातार इस नगर पालिका को प्रथम स्थान पर बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। वही विधानसभा रानीपुर क्षेत्र के लाभार्थियों को विधायक आदेश चौहान द्वारा चेक वितरित किए गए, जिसमें लाभार्थी मुकेश ने बताया कि बीमारी का मेडिकल कराने के बाद विधायक आदेश चौहान ने राहत कोष के द्वारा मुझे 30,000 रुपए का चेक दिया है, साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति को उसकी बेटी की शादी के लिए राहत कोष के द्वारा 10,000 रुपए का चेक वितरित किया गया।
की शादी का कार्ड लगा के वो दिया था। मैंने कहा सर इनसे जो सहायता मिल जाएगी विधायक जी से, तो उन्होंने मुझे 10,000 का चेक दिया है और इनका बहुत धन्यवाद। क्या नाम विधायक जी? हैं आदेश चौहान जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। कितने की सुविधा मिली आपको? 10,000 की। हमने नागपुर से विधायक बोलते थे मेडिकल लगवाया था अपने कागज, और उनके उससे हमें 30,000 रुपये का चेक मिला है और बहुत बहुत हम आभारी हैं। बहुत बहुत उनका वो भारतीय जनता पार्टी के। क्या नाम मिला है? विधायक आदेश चौहान जी के द्वारा मिला है। आदेश चौहान जी के द्वारा चेक दिया है 30,000। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद हरिद्वार में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जिसके चलते डीएम विनय शंकर पांडे, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खगेंद्र सिंह ने उप जिलाधिकारी पूरन राणा के साथ स्कूलों में वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग एक सप्ताह के अंदर 100% आंकड़े को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। छात्रों ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। देखिए पहले मैं आपको ये अवगत करा दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था और जैसे निर्देश हमको अपने शासन से प्राप्त हुए, 15 से 18 वर्ष की आयु के जो हमारे बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन की डोज लगाई जा रही है और आज इसका शुभारंभ किया गया है। एक सप्ताह तक ये पूरा अभियान चलना है और हम लोगों का प्रयास ये है कि इस एक सप्ताह में जो भी हमारे बच्चे इस आयु सीमा की परिधि में हैं उनको हम टोटली वैक्सीनेट कर दें। और लगभग हमारे 368 के आसपास सेंटर्स इसके बनाए गए हैं। आप मोटे तौर पर मान के चलिए कि जो भी हमारे विद्यालय हैं वहाँ पर इसका सेंटर बनाया गया है और इसमें शिक्षा विभाग को मुख्य दायित्व दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि विंटर वैकेशंस भी चल रही हैं कहीं कहीं, तो ये भी कहा गया है कि आप टीचिंग सस्पेंड रखिए लेकिन सभी छात्रों को यहाँ बुलाइए, छात्र छात्राओं को, और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सही समय पर वैक्सीन पहुंचे, वैक्सीनेटर वेरीफायर उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आज पहला दिन था, मैं यहाँ DPS में आया था और मैं कुछ और सेंटर्स को देखने जा रहा हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि कल से ये अभियान पूरे गति को पकड़ लेगा। क्योंकि आज प्रथम दिन है तो पहले दिन थोड़ा सा व्यवस्था में और एक नई चीज़ होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमता थाना क्षेत्र में 29 दिसंबर को ज्वेलर्स और उसके 3 परिजनों की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 टीमें बनाकर तेजी से जांच शुरू कर दी थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। मामले में DIG नीलेश आनंद और SSP उधम सिंह नगर दिलीप कुमार ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक अंकित रस्तोगी के दोस्त रानू रस्तोगी ने अपने 3 साथियों मुकेश वर्मा, राहुल वर्मा निवासी रुद्रपुर और सचिन सक्सेना निवासी खटीमा के साथ मिलकर पूरे हत्याकांड को लूट के इरादे से अंजाम दिया था। साथ ही पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूट के 35,000 रुपए और कार को बरामद किया है। वहीं पुलिस ने अन्य 3 आरोपियों को भी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं दूसरी ओर खुलासा करने वाली पुलिस टीम को झांसी DGP विधायक प्रेम सिंह राणा, किसान संगठन ग्राम प्रधान संघ ने नगद धनराशि का इनाम दिया। 4 लोग इन्वॉल्व थे, 4 में से इनका जो सरगना है रानू रस्तोगी है, उसके साथ साथ विवेक और राहुल इन दोनों को अरेस्ट हमने कर लिया है। सचिन सक्सेना जो है एक इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, UP में इसके विरुद्ध लूट, मर्डर, गैंगस्टर एक्ट और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। ऐसे अब इसका आपराधिक इतिहास है, उसको भी हम बहुत जल्दी उसके अरेस्टिंग करेंगे। इसमें जैसे लूट की घटना, लूट कारित करने की दृष्टि का मामला किया गया था, इसमें 40,000 के लगभग पैसा बदमाशों ने इन लोगों ने ले लिया था। उसमें 35,000 की हमने रिकवरी कर ली, बरामद कर लिया है। और घटना में प्रयुक्त वैगनार जो आला कतल है, बुनालो कपड़ा हमने बरामद कर लिए हैं। अभी भी हम CTR का तमाम तरह की चीज़ों का विवेचना जारी अभी है, जिसमें विवेचना जारी रखे हुए हैं। चौरा हत्याकांड हुआ था, इसमें जो है हमारी उधम सिंह नगर पुलिस ने जो है इसमें 20 टीमें लगी हुई थी। इसके अलावा जो है पुलिस मुख्यालय स्तर से, DIG रेंज स्तर से भी जो है अलग से टीमें जो है अन्य जनपदों से काम कर रही थी। मेरे द्वारा बरेली से भी हम लोग लगातार संपर्क में थे, STF की टीमें भी काम कर रही थी।
लेकिन जो है यहाँ एसपी सिटी ममता वोरा इनके अंडर में जो एसओजी इंचार्ज है कमलेश, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। पूरा रात दिन 24 घंटे इस केस में लगे रहे, लगातार रात रात भर इन्होंने काम किया और जो है जल्द ही जो है 3-4 दिन के अंदर खुलासा हुआ, जिसमें जो है जो मुख्य अभियुक्त था रानू रस्तोगी, इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें उसने ये घटना कबूल किया है कि जो है उसने जो घटना में प्रयुक्त तो वेगनार थी जो सीसीटीवी फुटेज में भी आई थी और जिसमें वो उतरते हुए दिखे, चढ़ते हुए दिखे मर्डर के पहले और बाद में, वो भी जो है वो गाड़ी बरामद की गई। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।